तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ और हमेशा की तरह यही कहूँगा, अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो ये है चंदन का पेड़। और कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स में पूछा था कि अगर किसी को चंदन के बीज चाहिए तो मुझे अपना एड्रेस कमेंट करो, आपका एड्रेस सिर्फ मुझे दिख सकता है, ऐसे मैंने सेटिंग कर दी। तो एक सर है जिन्होंने उनका एड्रेस कमेंट किया है, तो मैं इस चंदन के बीज को अभी जो बीज पक चुके हैं इनको निकालूंगा, जैसे ये बीज है अभी ये पका हुआ है, और उन्हें ये बाय पोस्ट भेज दूंगा मैं। तो उन्होंने एड्रेस कमेंट किया है, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, एड्रेस सिर्फ मुझे दिख सकता है, ऐसे मैंने सेटिंग की है। तो अंदर से बीज ऐसा होता है, तो ऊपर की जो परत है ये निकाली तो भी चलेगी, नहीं निकाली तो भी चलेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बीज भेज दूंगा आपको, जिसको भी चाहिए 10-20 बीज भेज दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत लोगों ने कमेंट किया तो सबको भेजना पड़ेगा मुझे, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि बीज मिलने के बाद लगाए कैसे और बीज कितने दिन के बाद निकल आते, पौधे कितने दिन के बाद तैयार हो जाएंगे। तो ये जो बीज है इसके लिए इसका जर्मिनेशन टाइम है, मतलब यह अंकुरने का जो टाइम है इसका समय है वो बहुत लंबा है, तो इसके लिए 120 से 140 दिन लगते हैं बीज से पौधे तैयार होने के लिए। तो आपको बीज लगाने के बाद इसको थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार देखोगे क्यों नहीं आया पौधा, तो ऐसा नहीं। और हमें क्या करना है, ये बीज एक ही जगह पर लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है हमने 10-20 बीज लगाए तो 4-5 ही निकल आए, अभी मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे चंदन के नीचे जो बीज के पौधे तैयार हो चुके वो मुझे भी पता नहीं कितने दिन में निकल आए, क्योंकि मुझे बाद में जब मैं देख रहा था पौधे तब पता चला कि इसके नीचे नए पौधे तैयार हो चुके हैं। लेकिन मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें 140 दिन, तो अगर हम महीने महीने के हिसाब से देखेंगे तो 3 महीने तो लगते हैं जर्मिनेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह पर इसे लगाना है जहाँ पर पानी ना रुके, और पानी भी हमें, अगर हम पॉट में लगाएंगे तो पानी भी हमें ऐसा देना है, सूखने के बाद ही मिट्टी, पूरी नहीं सूखने देने की, लेकिन अगर आपको लगता है पानी की ज़रूरत है तभी पानी देने का, नहीं तो नहीं देने का, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, तो अपने आप पौधे तैयार हो जाएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो मैंने बोला वैसा कर दो आप, मैं भेज दूँगा। और चंदन की खेती अगर किसान हो आप तो खेती के छोर पर करना शुरू कीजिए, क्या होता है बहुत ये जो खेती है इसके लिए बहुत समय लगता है, 15-12 साल से ज़्यादा लगता है, तो एक एक साल जाता है हमारे जीवन का, और बाद में सोचते हैं हम अगर हमने पहले शुरू किया होता तो फ़ायदा होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में, जब हमें करना चाहिए था तब हम करते नहीं और बाद में हम पछताते, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए सोचो, इसको चोरी करके बेचते, तो हम तो मालिक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके ग्राहक ढूंढने, तो वो भी कर सकते हैं हम, सिर्फ हमें इच्छा होनी चाहिए, हमारी जब इच्छा होती ना तो रास्ते भी निकल आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, काम शुरू करने से पहले नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे चोरी हो जाएंगे, बेचेंगे कहाँ, सांप आते, वैसे सांप तो आते ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सांप आते हैं क्या, नहीं तो सांप आते ही नहीं इस पर, और बेचेंगे कहाँ, तो पहले तो आपने लगाया नहीं तो बेचने का क्या सवाल है, अगर चोर चोरी करके ले जाता है बेचता है तो हम भी बेच सकते हैं, हो सकता है रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन मैंने बोला है कि खेती के छोर पर अगर आप लगाएंगे तो हमें फ़ायदा हुआ तो कम हुआ तो भी फ़ायदा ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम है हमारा, तो इसलिए मैंने तो यही प्लान किया है, क्योंकि मेरे जो सब चंदन के पेड़ है वो खेती के छोर पर है, तो इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो भी इनकम होगा वो एक्स्ट्रा इनकम होगा, और उसके साथ साथ हमें एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि चंदन की खेती फ़ायदे की होगी, कितने फ़ायदे की होगी, अभी जब बेचेंगे तब पता चलेगा कितना पैसा मिलता है, और एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि
कौन से पेड़ का ज़्यादा मिलेगा, जैसे पेड़ सीधा कितना होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, ये जब हम करेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं तो कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आने वाले किसान को भी फायदा होगा, क्योंकि जब कोई एक करेगा तभी आगे आने वाले जो दूसरे किसान हैं उनको फायदा होगा कि ऐसा करो वैसा ना करो। जैसे मैंने चंदन की छटाई के वीडियो बनाए तो उनमें मैंने बोला है कि मुझसे कोई गलती हो गई, जैसे इस पेड़ पर देखो एक ही जगह पर ज़्यादा शाखा है, तो ऐसा नहीं रखना है हमें, ये पहले ही मुझे कटाई करनी चाहिए थी छटाई इसकी, अभी मैं करूँगा कुछ दिन बाद क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये कब समझ में आता है, जब हम चालू करते हैं काम। अभी मुझे जो समझ में आया मैं आपके साथ बता रहा हूँ वीडियो बना के। अगर आपको चंदन की खेती में इंटरेस्ट है, अगर या जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखिए। आजकल क्या हो रहा है, जो गलत चैनल है जिस पर सिर्फ गालियाँ है और बाकी कुछ नहीं, ऐसे चैनल के सब्सक्राइबर तो बहुत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पर कर दो, वो आपकी मर्ज़ी, करो ना करो, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, हमारी जो सोच है भारत के लोगों की ज़्यादातर गलत लोगों की तरफ ज़्यादा है। जो आदमी गालियाँ देता है, टाइम पास वीडियो बनाता है, उसके सब्सक्राइबर मिलियन में है, और जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग जानकारी दे रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर भी कम है और उनको लोग देखते भी नहीं। अब ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है क्या मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने यूट्यूब पर वीडियो जब बनाए डालना शुरू किया तभी से मुझे ये अनुभव मिला है, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो जब यूट्यूब पर डालता हूँ तो लोगों के जो दूसरे चैनल है वो भी आते हैं बीच में, तो मुझे पता चला कि टाइम पास करने वालों के बहुत सब्सक्राइबर है। जाने तो जिनको जो करना है वो कर रहे हैं, अभी गालियाँ देने वाले लोग भी वीडियो डाल रहे, तो मैं सोचता हूँ मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ तो मैं डालते रहता हूँ वीडियो, चाहे देखो ना देखो, अपना काम करते रहो, यही अच्छी बात है। और मुझे तो यही पर विश्वास, यही इस बात पर ज़्यादा विश्वास है कि तुम काम करते रहो, जो भी तुम्हारे तुम्हारे काम करने से फ़ायदा होता वही काम किया करो। और इसके नीचे देखो बहुत सारे बीज है जो गिरे हैं, तो इसे भी हम यहाँ पर भी निकल आएंगे कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद यहाँ पर बहुत सारे प्लांट आएंगे, तो ये भी मैं दूसरी जगह लगाऊंगा। तो बस यही रुकते हैं हम, तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।